हाँ। या प्रशासन अपन को कर एक तो धर्म इससे पहले कश्मीर में मीटिंग मोबाइल टॉयलेट की दो तीन गाड़ियाँ श्रावण मास के पावन अवसर पर शिवपुराण कथा का आयोजन इस धर्म नगरी पुष्कर में किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्र अंतर्राष्ट्र ख्याति प्राप्त कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले अपनी अमृतमयी वाणी में 7 दिवस शिवपुराण का वाचन करेंगे। सर कितनी तारीख से कितनी तारीख तक करेंगे? 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक नियमित मेला मैदान में आयोजित की जाएगी। क्या टाइम है कथा का? कथा का दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का कथा का समय रहेगा और देश विदेश से लगभग 50,000 से अधिक लोगों के इसमें आने की संभावना है। सर कथा की क्या क्या तैयारी की गई और क्या है? कथा के लिए हमने नगर निगम को निवेदन किया है, अग्निशमन वाहन, कृत्रिम शौचालय ये बनाने के लिए, साथ में हमने रोडवेज को बसों की आपूर्ति के लिए लिखा है कि आप जिस तरह से मेले के अंदर व्यवस्था रखते हैं उसी प्रकार हमारे यहाँ इसकी व्यवस्था करें। रोडवेज की व्यवस्था की है, भोजन के लिए यहाँ अलग अलग कैंप लगाए जा रहे हैं, जल व्यवस्था, चरण पादुका की व्यवस्था और उस आवास व्यवस्था यहाँ पे जो करी जा रही है और सरकार से सहयोग मांग रहे हैं हम। तो पाठक जी से भी हमने निवेदन किया है कि यहाँ पार्किंग की सुविधा हमको सुलभ करा दें, जिस तरह मेला ग्राउंड में होती है ना, मेला मैदान पे होती है, उस तरह से हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध करा सके। बारिश का भी सीजन रहेगा? बारिश का पूरा, बिल्कुल पूरा बारिश का सीजन रहेगा। उसके लिए अपन वाटरप्रूफ पंडाल बनाएंगे, इसका डोम बनेगा एक वाटरप्रूफ, और आगे की तरफ नीचे पानी नहीं भर जाए और एकदम भगदड़ नहीं मचे तो उसको अपन 1 फुट तखत लगा के ऊपर करेंगे, आगे आगे, पीछे तो नहीं कर पाएंगे उसको, लेकिन आगे 2,500 आदमी तो ऐसा है कि बारिश अगर कुछ भी आ जाए तो उनको कोई अव्यवस्था ना रहे, ऐसी पूरी उसकी व्यवस्था की जा रही है। और पुष्कर के सभी हमारे आचार्य पंडित जी और नगर नागरिकों से निवेदन है इसमें पूरा सहयोग करने के लिए। उमेश गर्ग, जिला महामंत्री, वैशाली।